तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। 2023 में एक्शन मास मसाला रस्टी राउडीनेस की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी इस साल, क्योंकि स्टार्टिंग करी थी पठान ने, जहां से एसआरके ने सॉलिड कमबैक किया, उसके बाद अजय देवगन की भोला ने दस्तक दी, उसके बाद दशहरा ने तबाही अलग मचाई थी, उसके बाद अब जवान जो चल रही है इस टाइम, जो बवाल मचा रही है रोज, वो हम सब देख ही रहे हैं, जो रोज धमाका मचा के बॉक्स ऑफिस में आग फाड़ रही है भाई, कमाल है। जवान ने सारे रिकॉर्ड्स तो वैसे ही फाड़ रखे हैं और जबरदस्त ट्रेंड कर रही है, और ये मंजर ऐसे ही नहीं खत्म होगा, क्योंकि अगले महीने अक्टूबर में दो सॉलिड बॉम्ब फटने के लिए पूरे तैयार बैठे हैं। पहला फटेगा 19 अक्टूबर को और दूसरा फटेगा 22 अक्टूबर को, जहां दोस्तों बिगेस्ट क्लैश एवर विजय थालापति के लिए 19 अक्टूबर को आनी है, और भाई साहब टाइगर श्रॉफ वापसी दोबारा से हो रही है इस बंदे की एज रैम्बो, बॉलीवुड का रैम्बो गणपत मूवी के साथ 20 अक्टूबर को दस्तक देने वाला है। तो पहले बात करते हैं साउथ की लियो की। ये मूवी पिछले कुछ समय से काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है, और पिछले साल से ही हमें इसके पोस्टर और एक टाइप से एक फर्स्ट ग्लिम्स लुक आया था, संजय दत्त का ग्लिम्स आया था लियो से, तो बहुत ही अच्छी ट्रेंड कर रही है और जबरदस्त ट्रेंडिंग पे भी है ये इंडियन सिनेमा में। और दूसरी बात, चलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इस पे अपने जवान के कैमियो वाले विजय थालापति भैया जो हैं। पैन इंडिया सुपरस्टार में अगर एक्शन की बात कहीं आती है तो विजय थालापति का नाम चौथे या पांचवे नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा ऑल इंडिया में, क्योंकि इनकी थेरी और मर्सल जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर थी। सिर्फ यही नहीं थी, और भी ब्लॉकबस्टर मूवीज रह चुकी हैं, लेकिन ये काफ़ी हाई ट्रेंडिंग मूवी थी। और साउथ में तमिल में इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, साउथ में जबरदस्त पकड़ है। पिछले कुछ रिकॉर्ड को उठा के देखूँ तो जब इनकी मूवी आती है तो साउथ में कोई रीजन की फिल्म दस्तक नहीं दे पाती, मतलब कोई अदर रीजन या नॉर्थ की या फिर बॉलीवुड की मूवी देख कह लो, बॉलीवुड की कोई भी मूवी उस टाइम पर दस्तक नहीं दे पाएगी। तो अब आप लोग ये कहोगे कि गणपत तो साउथ में भी पिट जाएगी, देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो यस, क्योंकि देखो ऐसा है इनका प्रमोशन इतना ज़बरदस्त भी नहीं है। पूजा एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है ये, लेजी, बहुत लेजी, काफ़ी कम प्रमोशन कर रहे हैं ये। और ये गणपत वैसे तो मैं आपको बताऊं तो पिछले साल ही आ जानी थी, लेकिन ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी थी अब, लेकिन फाइनल दशहरा पे ये मूवी रिलीज करी जानी है। हालांकि अच्छा खासा हॉलीडे मिलेगा, क्योंकि दशहरा में बहुत ही ज़बरदस्त हॉलीडे मिलता है, तो मूवी कमाई कर सकती है, लेकिन साउथ में इसकी पकड़ उतनी नहीं हो पाएगी। हालांकि मूवी रिलीज हो रही है अराउंड 5 लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा ऑल्सो शायद, और हिंदी में तो ये हो ही रही है। बॉलीवुड की वैसे भी कोई मूवी साउथ में इतनी पकड़ बनाती नहीं है, और वैसे इस बार तो साउथ में लियो मूवी चलनी ही चलनी है, तो वैसे भी गणपत का इतना कोई रुझान दिख नहीं रहा है साउथ में। देखो घाटा कुछ नहीं होगा गणपत को, क्योंकि साउथ में वैसे भी पकड़ नहीं है बॉलीवुड की। हाँ, जवान ने करी कमाई, जवान ने अच्छी खासी साउथ में पकड़ करी, वो इसलिए भी क्योंकि फुल प्रमोशन जो था जवान का सिर्फ साउथ में ही था, तो लगभग उसका ये मंजर है, उसका ये नज़ारा है कि 55 करोड़ तक की कमाई है अभी तक ला पाई है जवान अपने खाते में, वो भी साउथ से, बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन साउथ, ऐसी कोई कलेक्शन कोई कर ही नहीं पाए, बॉलीवुड की हिंदी मूवी कोई कर ही नहीं पाई इतनी बड़ी कलेक्शन, या तो 10-15 करोड़ में ही सिमट कर रह जाती या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ में सिमट कर रह जाती थी। तो घाटा यहाँ सिर्फ लियो को है, क्योंकि नॉर्थ में गणपत यानी हिंदी बेल्ट में गणपत ही चलेगा, और टाइगर श्रॉफ बिल्कुल ये कमी छोड़ेगा नहीं नॉर्थ में, हिंदी बेल्ट में टाइगर श्रॉफ की बहुत अच्छी पकड़ है, और जहां एक्शन मूवी की बात आती है तो ये बंदा कभी भी पीछे हटेगा ही नहीं। लाइक हीरोपंती, बागी जैसी फिल्म में हमने बॉलीवुड के इस रैम्बो को देख ही लिया है, और गणपत का कॉन्टेंट बिल्कुल मासी एक्शन है, तो नो डाउट हिंदी बेल्ट में ये मूवी 500 करोड़ तो करके ही जाएगी ईजिली। हाँ, लियो को बहुत कम कमाई मिल पाएगी इस बार हिंदी बेल्ट से, तो दोनों ही मूवी अपने अपने रीजन में सफल हैं। बाकी दूसरी तरफ नो डाउट दोनों ही फिल्में एक्शन से भरी हुई हैं, जहां विजय थालापति एक रिच बिजनेसमैन टाइप अंडरवर्ल्ड वाला एरा लुक वाला दिखा रहे हैं अपनी मूवी में, जिसमें हाई गैंग वॉर वाला एक्शन देखने को मिलेगा, और गणपत में आपको छपरी टाइप गली नुक्कड़ वाली फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन इसी एक्शन के तो पागल हैं सब टाइगर श्रॉफ के, तो मूवी दोनों ही जगह अपने अपने कॉन्टेंट में बाप लेवल का स्टोरी लाइन और कॉन्टेंट लेके बैठी पड़ी है। तो आपको बता दूं तो अब लियो को लगभग 250-300 करोड़ के बजट में कंप्लीट करा जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ लोकेश कनगराज, और गणपत को 150 करोड़ के टोटल खर्चे पर कंप्लीट करा जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ विकास बहल, और ये दोनों ही डायरेक्टर जबरदस्त हैं, एक्शन मसाला के मामले में कोई भी किसी से कम नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि लियो और गणपत दोनों ही एक दूसरे से कम है, दोनों फिल्में जबरदस्त धमाका काट के जाएंगी इंडियन सिनेमा में, एक नॉर्थ बेल्ट में एक साउथ बेल्ट में।
दूसरा अगर मैं आपको बता दूं तो आईएमबीडी रेटिंग्स की अगर बात करें, आईएमबीडी रेटिंग्स में लियो सबसे ऊपर है इस टाइम पर 25% के इंटरेस्ट के साथ ये मूवी नंबर वन पर बैठी पड़ी। उसके बाद स्कंदा है साउथ की मूवी, उसके बाद फिर टाइगर थ्री ने पकड़ बना रखी 30 नंबर पर, उसके बाद चंद्रमुखी है और थैंक यू टू है, और भी हैं 2-3 फिल्में, लेकिन गणपत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। वही बात ना कि यहाँ पर प्रमोशन की कमी है। लियो देखो पिछले कुछ टाइम से लगातार प्रमोशन कर रहा है, लगातार ट्रेंडिंग में था, बट गणपत बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रहा। हालांकि ये मूवी पिछले साल बन चुकी थी, एक लास्ट अपडेट आई थी अराउंड नवंबर या दिसंबर में जब मूवी पोस्टपोन हुई थी, उसके बाद से गणपत का कोई बात ही नहीं हुई थी। तो इसका टीजर अगर मान लिया जाए, अगर टीजर आ जाता है इस टाइम पर, फिर एक आध दिन में ही मैं मान के चल रहा हूँ कल तक या फिर 20 सितंबर तक टीजर आ जाना चाहिए। अगर आ जाएगा तो यहाँ से जो गणपत की हाइप होगी ज़बरदस्त हाइप होगी, हिंदी बेल्ट में, नॉर्थ बेल्ट में गणपत एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाएगा। क्योंकि अभी लियो चल रहा है, लियो अच्छा खासा प्रमोशन कर रहा है और दोनों के ही पोस्टर आए हैं। कल को गणपत का भी पोस्टर रिलीज कराया गया था विद मूवी अनाउंसमेंट की डेट के साथ, उसी के साथ लियो मूवी का भी पोस्टर रिलीज करा गया है। तो भैया आप लोग अब कौन सी मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हैं? मैं तो भाई दोनों ही फिल्मों के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो आप पहले कौन सी फिल्में देखने जाओगे ये बताना नीचे कॉमेंट बॉक्स पर। मैं अपना बताऊँ तो मैं पहले गणपत देखूंगा फिर लियो देखूंगा। आप लोग कौन सी देखोगे नीचे कॉमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।